आज हम बनाएंगे ये बहुत ही टेस्टी और नए तरह का स्नैक कॉर्न समोसा। इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे एक कटोरी मैदा, उसमें डालेंगे आधी चम्मच नमक और एक चम्मच वेजिटेबल ऑयल। अब इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और इसका एक सॉफ्ट डो तैयार कर लेंगे। डो को अब हम 10 मिनट के लिए ढक के रख देंगे। समोसे की फिलिंग बनाने के लिए तेल गरम करेंगे और उसमें डालेंगे लहसुन बारीक कटा हुआ और हरी मिर्च बारीक कटी हुई। दोनों चीज़ों को अच्छे से सौटे कर लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे आधी कटोरी प्याज बारीक कटी हुई और अच्छी तरह से उसको भी सौटे कर लेंगे जब तक ये गोल्डन हो जाए। अब इसमें आधी कटोरी शिमला मिर्च डाल देते हैं और साथ ही में हम डालेंगे स्वीट कॉर्न। यहाँ पे 3/4 कटोरी स्वीट कॉर्न लिया है मैंने। ये फ्रोजन स्वीट कॉर्न है तो इसको बहुत ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है, बस इसको 2 मिनट के लिए हम ढक के रख देंगे। अब इसमें मसाले डाल देते हैं, आधी चम्मच नमक, आधी चम्मच काली मिर्च का पाउडर और आधी चम्मच चिली फ्लेक्स। साथ ही हम डालेंगे थोड़ा सा चाट मसाला और अच्छी तरह से इसको एक मिक्स दे देंगे। अब फ्लेवर के लिए डालेंगे 1 बड़ा चम्मच हरा धनिया और 1 बड़ा चम्मच नींबू का रस। अच्छी तरह से इसको मिक्स दे देंगे तो ये बहुत ही बढ़िया सी स्टफिंग बनके तैयार है। इसे आप चाट की तरह भी खा सकते हैं। अब जो आटा हमने लगा के रखा था उसमें से हम छोटी लोई निकालेंगे और उसे बेल के और एक गोल पूरी में तैयार कर लेंगे। अब इसे 2 हिस्सों में बराबर काट लेंगे। किनारों को अच्छे से सील करने के लिए स्लरी बनाएंगे, 1 बड़ी चम्मच मैदा और 2 बड़ी चम्मच पानी मिला के उसका पतला सा पेस्ट बना लेंगे। अब इसे अच्छी तरह से किनारों पे लगा देंगे और इस तरह से फोल्ड करेंगे। अब इसमें फिलिंग डाल के और इसको अच्छी तरह से सील कर देंगे। तो इस तरह से ये अच्छी तरह से सील कर दें और ये समोसा तैयार है तलने के लिए। तेल को गर्म करें कढ़ाई में और इन समोसों को उसमें डाल दें और गोल्डन होने तक उसको पलटते हुए फ्राई करें। तो ये बहुत ही अच्छे से फ्राई हो गए हैं और बढ़िया सा ये स्नैक बनके तैयार है। आपने देखा कि इसको बनाने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है और ये फटाफट से बन जाता है। बहुत ही डिफरेंट तरह का स्नैक है, ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और रेसिपी को शेयर और लाइक ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।